हे गाइस, दिस इज सैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो मैं बनने वाली हूँ भूत। तो बढ़ते हैं गाइस वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि गाइस, अगर आप जरा भी सेंसिटिव हो या फिर आपको भूतों से डर लगता है तो कृपया वीडियो को ना ही देखें तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ हैलोवीन मेकअप। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी स्कैरी हो जाए, अगर आप डरते हैं तो प्लीज इसको मत देखिएगा। विदाउट एनी बग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, फर्स्ट हैलोवीन मेकअप जो है वो हम अपनी फिंगर पर करने वाले हैं। भाई आज फिंगर भी बड़ी खुश होने वाले हैं, मेकअप जो कराने वाली है यार। तो गाइस, फर्स्ट लुक में इन्होंने अपनी फिंगर पर लगाया है आटे या फिर मैदे से बनी हुई एक पुट्टी इन्होंने बनाई है, जो कि उसमें थोड़ा सा वैसलीन मिक्स किया एंड आटा या फिर मैदा लिया, उसके बाद ये क्रिएट हो गया। हम भी बना लेते हैं अपनी फिंगर को इस तरीके से करते हैं जिससे कि वो लगे कि बिल्कुल कटा हुआ फिंगर है। ओके गाइस, तो ये रही वो पुट्टी जो हम इस पर लगाने वाले हैं। ये मैंने आटे से बनाया, आप चाहो तो यार मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं लगाती हूँ फिंगर पर एंड उसके बाद देखते हैं कि ये हॉरर लुक आता है इससे या नहीं। इसको इस तरीके से स्टिक करना है इस फिंगर पर गाइस, जैसे कि मतलब ये हमारी रियल फिंगर ही हो। अगर गाइज ये स्टिक नहीं होता है ना, तो इसको थोड़ा सा पानी की हेल्प से सेट कर लीजिए। तो गाइज मैंने इसको कर लिया है स्टिक पूरी तरीके से। अब देखिए ये बिल्कुल मेरी फिंगर जैसी लग रही है ना। अब इस पर मुझे लगाना है थोड़ा सा फाउंडेशन ताकि ये हमारे कलर से मैच कर जाए। गाइज ये तो मुझे अभी मेरी यार रियल फिंगर जैसी ही लग रही है, बट फाउंडेशन लगाने के बाद देखते हैं कि कैसी लगती है। तो गाइज मैंने इसको फाउंडेशन से भी सेट कर लिया है और ये मुझे इसको यहाँ से बीच में से कट करना है एंड उसके बाद इसमें जान ही डाल देगा वो है हमारा बनाया हुआ फेक ब्लड। अभी मैं इसको बीच से कट कर लेती हूँ, ओके, जिससे कि ऐसी लगे कि ये बीच से कट गई हो। तो गाइज मैंने इसको काट लिया है बीच से। अब बारी है गाइज ब्लड की और देखते हैं ब्लड लगाने के बाद ये कैसा दिखता है। तो गाइज ये रहा हमारा फेक ब्लड जो कि मैंने हनी एंड फूड कलर मिक्स करके बनाया है और अब मैं इसमें लगाती हूँ, देखते हैं कि कैसा लुक आता है, क्रीपी होता भी है या नहीं। देख रहे हो गाइज, लग रहा है ना बिल्कुल रियल वाला। तो गाइज हो चुका है हमारा फिंगर क्रिपी लुक रेडी और गाइज मुझे सच में लग रहा है कि यार मेरी फिंगर जो है ना वो बीच से कट हो चुकी है। दिखाऊं आपको क्लोज लुक, देखो मतलब अमेजिंग है यार ये तो। देखो यार लग रही ना जैसे कि मतलब मेरी फिंगर जो है वो मतलब कट हो गई हो। ओ माय गॉड, मतलब यार ये वाला हैक तो मतलब बड़ा अमेजिंग है। देखो यार, देखो मतलब सो डेंजरस भाई, मतलब ओ गॉड, मुझे मतलब यार खुद का देखने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, मतलब अमेजिंग है यार ये वाले क्रिपी लुक को तो मैं देने वाली हूँ 10 out of 10, क्योंकि यार बड़ा सही वर्क किया यार इसने, मतलब जैसा दिखाया गया वैसा ही हुआ। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं सेकंड लुक की और देख लेते हैं हमारा सेकंड लुक क्या होने वाला है, जब तक मैं इसको रिमूव भी कर लेती हूँ वरना ये मुझे आगे प्रॉब्लम देगा। तो गाइज सेकंड लुक तो भाई मुझे बड़ा ही पसंद आया, क्योंकि गाइज यार ये तो मतलब बिल्कुल हॉरर वाला लुक दे ही रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा है कि यार इसको ट्राई करना तो बनता है। इसको क्रिएट करने के लिए भी वही पुट्टी का यूज करूंगी एंड फिर देखते हैं कि ये वाला हॉरर लुक कैसा लगता है क्रिएट होने के बाद। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी क्वांटिटी में कितनी ही रखूं, मतलब कितना पतला करना है। अगर ये गाइस ना टिके ना तो इसको पानी की आप हेल्प से सेट कर सकते हो, मैं तो यही कर रही हूँ भाई, पानी की हेल्प से मैं इसको सेट कर ले रही हूँ। सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गाइस।
ओके गाइस, तो लगा लिया मैंने अभी ये पुट्टी। अभी इस पर लगाना पड़ेगा मुझे फाउंडेशन, जिससे कि ये मेरे कलर से मैच कर जाए। उसके बाद फेक ब्लड। तो गाइस लग चुका है फाउंडेशन भी। अभी बारी है इसको बीच बीच से कट करने की, जिसमें हम फेक ब्लड को फिल कर सकें। और हाँ गाइस, लुक कंप्लीट होने से पहले कि मैं कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि ये आपको भी घर पे करना है, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं ब्लेड का या चाकू का यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, तो इसको बीच से कुछ ऐसे, मतलब ऐसे कर लेना है। इसके बाद गाइस पूरे में मुझे ब्लड लगाना है, तो मैं सारे जगह स्पॉट स्पॉट रख लेती हूँ। एंड तो अभी मैंने ब्लड जो है वो डैब डैब किया था, अभी मुझे एक ब्रश की हेल्प से इसके अंदर डार्क ब्लड फिल करना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार कि ये वाला हैक मतलब इतना सुपरली वर्क करेगा। आई कांट बिलीव यार, रियली आई कांट बिलीव कि मतलब सच में यार ये तो ऐसा लग रहा है कि ओहो, मतलब यार मैंने कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा ब्लड डाल दिया, तो ये ना ऐसे से पूरे में फैल रहा है। मतलब अमेजिंग है ना गाइस, मुझे तो ये वाला हैक भाई बड़ा ही अच्छा लगा। और इसको भी मैं रेट करूँगी 10/10, क्योंकि इन्होंने जैसा दिखाया वैसा ही ये काम किया। मुझे लग रहा है कि ओह गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा लग चुकी है। ये वाला लुक देख कर तो गाइस मुझे ही मिरर में, मतलब यहाँ मिरर रखा हुआ है, और मैं मतलब देख कर जो मैं डर रही हूँ ना, मतलब मुझे अपना ही फेस देख कर डर लग रहा है लिटरली। बढ़ते हैं नेक्स्ट लुक की और देख लेते गाइस हमारा नेक्स्ट लुक क्या होने वाला है। गाइस, तो पाम को थर्ड लुक की जगह दी हुई है, मीन थर्ड लुक हम करने वाले हम अपनी हथेली पर, जहां पर मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ये कटा हुआ है एंड इसमें ना स्टिचेस हैं। तो यार मेरे सारे हैक में ना एक ही जो पुट्टी मैंने बनाई थी ना वही काम कर गई। और जब ये गाइस अच्छे से सेट हो जाए तो इस पर फाउंडेशन लगा लेना है। ओके गाइस, तो अब इसको चाकू की हेल्प से बीच से काटना है एंड इसमें फेक ब्लड लगाना है। और अभी बारी है इसमें फेक ब्लड लगाने की। इससे ब्लड ही बाहर आने लगती है। तो कट हो चुका है एंड अब इसमें स्टेबल लगाना है हमें, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यार किस कैसे लगाऊं। ओ पूरा ब्लड ही नीचे आ गया। ओके अभी ठीक है। जी गाइस, मतलब लिटरली ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कट गया हो, देन उसके ऊपर से फिर किसी ने ना ऐसे मतलब लगा दिया। सच में यार मतलब ये तो ऐसा लग रहा है गाइस, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह आई नो बहुत ज़्यादा ख़राब वाली एक्टिंग थी, प्लीज़ बट 50 रुपये मत काटना मेरी ख़राब एक्टिंग के। इस वाले लुक की मैं बात करूँ तो इट्स अमेजिंग, इट्स 10/10, मतलब क्या यार, मतलब अमेजिंग वाले हैक है ना, कि सारे ही हैक मतलब सारे 10/10 ही होते जा रहे हैं ना। तो जल्दी से मैं इसको साफ कर लेती हूँ यार, ये ब्लड यहाँ से यहाँ अंदर मेरे पहुँच जाए, क्योंकि ये हाथ आता ही जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट लुक क्या होने वाला है।
इस वाले हैक पे इन्होंने अपनी नोज को एक बहुत ज्यादा सुंदर सा लुक दिया है, तो हम भी ट्राई करते हैं इस वाले लुक को और देखते हैं कि हमारी नोज का भाई ये क्रिपी लुक कैसा लगता है। सेम यार, मैं इतनी देर से बता रही हूँ ना, बस एक ही वो पुट्टी है जो चले जा रही है सारे हैक में, और ये मेरा ब्लड पूरा बाहर बह रहा है, इतना बह रहा है यार, कितना ब्लड है मुझ में। तो मैंने अभी इसको पोछ लिया है, अब हम नेक्स्ट लुक क्रिएट करेंगे अपनी नोज पर, जिसके लिए मुझे फिर से लगानी होगी ये पुट्टी, और मैं जल्दी से लगा लेती हूँ एंड इसके बाद देखते हैं। कुछ इस टाइप से सेट करना है जिससे कि ये बिल्कुल लगे कि ये हमारी ही नोज है, पर अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नोज भाई मेरी नहीं है, मैं ऐसे सच में ही भाड़े पर लाई हूँ। एक बार मुझसे ना इतना ही हो पाया है, और फिर देखो मेरे मतलब हाथ का ब्लड फिर बाहर उछल उछल कर बाहर आ रहा है। ओके, तो इतना हो पाया, अब मैं इसको कर लेती हूँ फाउंडेशन से सेट, और उसके बाद देखते हैं कि ये वाला लुक कैसा दिखता है। अब मुझे बहुत केयरफुली अपनी नोज के बीच से कट लगाना है। मुझे डर लग रहा है ये वाले हैक करने में, कहीं धोखे से भी। ओके गाइस, तो कट गया है ये, अभी लगाना है मुझे इसमें फेक ब्लड। मतलब ये देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल रियल लग रहा है ना, कि मतलब सच में ही नोज के दो पार्ट्स हो गए हो, एंड अगर हम इसमें स्टेपल लगा लेते हैं फिर देखते हैं कि ये कैसा ही दिखता है। ओ भाई, मुझे आज सच में मैं खुद डर रही हूँ अपनी वीडियो बनाते टाइम ही। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा क्रिपी लोग, मतलब नोज़ वाला भी यार, मुझे नहीं लगा था कि नोज़ वाला इतना ज़्यादा क्रिपी लगेगा, बट लग रहा है ये भी। बहुत ज़्यादा क्रिपी लोग गाइज, अमेजिंग वाले लुक्स थे ये सारे के सारे ही, और ये बहुत अच्छे से वर्क किए, बहुत 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 ज़्यादा क्रिपी वाला लुक। देखो मतलब मेरा हाथ कटा हुआ, जो जानवर ने मतलब ऐसे जो पंजा मारा है ना मेरे इस वाले गाल पर, मतलब वो तो क्या ही कहने, वाह क्या लुक क्रिएट किए हैं आज के यार मैंने, मतलब वाह अमेजिंग। लेकिन ये वाले सारे हैक अच्छे से काम करते हैं, तो गाइज मुझे तो आज के सारे ही लुक बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और ये देखो भाई मेरा ब्लड नोज से यहाँ यहाँ आ गया, मुझे पूछना पड़ेगा कि आपको सबसे ज़्यादा स्कैरी वाला लुक कौन सा लगा, कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ लाइक भी कर देना वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।